स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो जब कंट्री की गवर्नमेंट रेट को फिक्स करती है अपने अकॉर्डिंगली, दैट इज सेट टू बी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. दैट मींस कि जो भी मार्केट फोर्सेस रेट को फिक्स करती हैं, ये डायग्राम हम कर चुके हैं. तो जब मार्केट फोर्सेस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स करती हैं, तो गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर का रेट भी फिक्स करती है और नीचे का रेट भी फिक्स करती है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज के. नाउ व्हाई गवर्नमेंट डज सो, दैट मींस कि अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से ऊपर का रेट फिक्स करती है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या उसका इफेक्ट होता है. इम्प्लीकेशन मीन्स इफेक्ट. तो अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर का रेट फिक्स करती है, दैट मींस रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेस फ्रॉम ओआर टू ओआर वन, बट दिस राइज इज डन बाय द गवर्नमेंट. इस केस में जो सप्लाई है, ग्रीन कर्व शो कर रही है आपको सप्लाई एंड ब्लू कर्व आपको शो कर रही है डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी. नाउ सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी. अब इस केस में क्या होगा, अब मार्केट इंटरनेशनल मनी मार्केट में सप्लाई है, जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर गई क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अपलिफ्ट कर दिया, रेज कर दिया. तो जो सप्लाई है ऑफ द फॉरेन करेंसी, इट विल बी ग्रेटर देन द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी. अब जो मार्केट में बढ़ी हुई सप्लाई है, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, इसको गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ बाय buying excess of the foreign currency from the international money market. तो इस तरह से हमारी government के, या यूं कह लें RBI के foreign exchange reserves, foreign currency के जो reserves हैं वो increase कर जाते हैं by buying from the international money market. क्योंकि RBI जो है वो international money market में क्या उसका function होता है, buying and selling of foreign currency. तो जब सप्लाई बढ़ जाती है इस केस में ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, तो गवर्नमेंट बाय कर लेती है एक्सेस सप्लाई को मार्केट से. सो ये था आपका इम्प्लीकेशन, इसको हम डीवैल्यूएशन भी कहते हैं. और अब अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से नीचे का रेट फिक्स करती है, तब क्या होता है, दैट मींस व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इज फॉलन बाय द गवर्नमेंट. ध्यान में रखनी है ये बात, इट इज फॉलन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ओआर टू ओआर वन. अब इस केस में क्या होगा, ये ब्लू कर्व आपको शो कर रही है डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड ग्रीन कर्व शो कर रही है सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. इस केस में डिमांड जो है वो इन इट इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. अब डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है. अब इस केस में अगेन गवर्नमेंट बेनिफिट लेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही रेट को फॉल किया है. इस केस में अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स है उसको रिलीज कर देगी मार्केट में, दैट मीन्स सेल कर देगी और बेनिफिट अर्न करेगी उसके ऊपर. तो गवर्नमेंट और आरबीआई विल रिलीज द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट और विल सेल द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, क्योंकि अब गवर्नमेंट को अच्छा रेट मिल रहा है इसका. तो अगर गवर्नमेंट सेल नहीं करती है इस केस में, तो ब्लैक मार्केटिंग होने के चांसेस होते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट में, क्योंकि जो दूसरे बायर्स हैं वो प्रीमियम दे के भी ये काम करते हैं सेल करने का, और वो प्रॉफिट अर्न करते हैं. गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं लेती है तो नाउ अब इसको हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी बाय द गवर्नमेंट. अब इन दोनों चीजों का डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, डेप्रिसिएशन वर्सेस डीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन वर्सेस रीवैल्यूएशन.
नाउ डेप्रिसिएशन और डिवेल्यूशन का क्या मतलब है? अब डेप्रिसिएशन मीन्स, ये हम लास्ट वीडियो में क्लियरली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन कब होती है, कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, रीजन इज ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सिचुएशन आती है डेप्रिसिएशन की। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है रेट, तो इसमें अगर गवर्नमेंट राइज करती है फॉरेन करेंसी का रेट, दैट मींस इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर रेट फिक्स करती है, तो उस केस में डीवैल्यूएशन होती है डोमेस्टिक करेंसी की। तो डीवैल्यूएशन होने की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है फॉरेन करेंसी को बाय कर लेती है। अब इसमें मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है इन केस ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। सिमिलरली इस डिफरेंस को समझना भी बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन कब होता है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की सिचुएशन है कि जब मार्केट फोर्सेस की वजह से डोमेस्टिक करेंसी राइज करती है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। इस केस में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और रिवैल्यूएशन कब आती है? इन केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से नीचे का रेट फिक्स करती है, दैट मीन्स जो डाउनफॉल आता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज में, वो किस वजह से आता है? वो गवर्नमेंट खुद करती है। क्यों करती है? ताकि वो जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में, उसको सेल कर सके और उसको रिलीज कर सके और प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न कर सके। और अगर गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती है करेंसी को, तो इस केस में ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट वाज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवेल्यूएशन, एंड एप्रिसिएशन एंड रिवेल्यूएशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू।